गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पर्सनैलिटी से रिलेटेड MCQ किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने उसको किया होगा, आपको फ़ायदा हुआ होगा। आज हम इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित MCQ क्वेश्चंस करेंगे। आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें साइकोलॉजी आती है उसमें ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और लास्ट ईयर्स आए हुए भी हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इनको करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैश ने किया। ए फ्रायड, बी बिने, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी स्टर्न। इसका सही उत्तर है सी फ्रांसिस गाल्टन। सेकंड क्वेश्चन, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? स्टर्न, बंकिंघम, टर्मेन, गाल्टन। इसका सही उत्तर है बी बंकिंघम। बंकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है परिभाषा देकर कि ये परिभाषा किसकी है, इसलिए आपको ये याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन थर्ड है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है? गैरेट, गाल्टन, बिने, थॉर्नडाइक। ये सही उत्तर है ए गैरेट। गैरेट ने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फोर्थ क्वेश्चन, बुद्धि व्यक्ति की डैश शक्ति है, जन्मजात, अर्जित, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जन्मजात। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, बुद्धि व्यक्ति में जन्म से ही उपस्थित होती है। इसको हम अन्य कुछ प्रकार की बुद्धि को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि जन्मजात शक्ति मानी जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसका कथन है? मन, बर्ड, वुडवर्थ और टर्मन। ये सही आंसर है वुडवर्थ। सिक्स क्वेश्चन, नवीन परिस्थितियों में स्वयं को सुसमायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है? वुडवर्थ, टर्मन, रायबर्न और स्टर्न। इसका सही उत्तर है टर्मन। टर्मन ने कहा है बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता है। सेवेंथ क्वेश्चन, साहित्यकार कवि में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि। इसका सही उत्तर है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि साहित्यकार कवि चित्रकार में पाई जाती है। एट्थ क्वेश्चन, मानसिक आयु मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? साइमन, गाल्टन, बिने और टर्मन। इसका सही उत्तर है सी बिने। बिने ने ही मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक आयु वह आयु है जिस आयु के बालक कार्य करता है। यदि 10 वर्ष का बालक 8 वर्ष के दिए हुए कार्य करता है तो उसकी मानसिक आयु मेंटल एज 8 वर्ष मानी जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु 1912 में किसने दिया? कैटल, स्टर्न, साइमन, टर्मन। इसका सही उत्तर है स्टर्न, बी। स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। ये सूत्र उन्होंने 1912 में दिया था। इसमें उन्होंने मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज बताया, इसलिए इसका सही उत्तर है स्टर्न। इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू MA अपॉन CA मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100 सूत्र 1916 में किसने दिया? बिने, टर्मन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। यहाँ पे जो टर्मन है सही उत्तर है। टर्मन ने स्टर्न की जो सूत्र था उसमें थोड़ा संशोधन किया और उसमें मल्टीप्लाई 100 जोड़ा और 1916 में ये नया सूत्र टर्मन ने दिया, तो सही उत्तर है बी। 11th क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? 1905 में, 1906 में, 1908 में, 1910 में। इसका सही उत्तर है सी 1908 में। बुद्धि परीक्षण उन्होंने काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था, 1905 में बुद्धि परीक्षण का दिया था उन्होंने नया, और लेकिन इसमें मानसिक आयु शब्द उन्होंने 1908 में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 to 110
आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी में होते हैं? जड़ बुद्धि, मूर्ख, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। इसका सही उत्तर है सामान्य बुद्धि सी। 90 से 110 आईक्यू वाले बालकों की को हम सामान्य बुद्धि वाले बालक में मानते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि का विकास किस आयु तक होता है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी, 16 वर्ष। बुद्धि जन्म से जन्मजात शक्ति है, जन्म से होती है, लेकिन इसका विकास भी होता है, ये वातावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, और 16 वर्ष तक इसके विकास का काल माना गया है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 100 से अधिक, 120 से अधिक, 130 से अधिक, 140 से अधिक। इसका सही उत्तर है 140 से अधिक। जो बुद्धि लब्धि है वो बालक प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं। 15th क्वेश्चन, भारतीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है वह डैश है सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या जड़ बुद्धि। इसका सही उत्तर है पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड कहलाते हैं ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 85 है या 90 से कम है। जड़ बुद्धि इडियट बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 60 to 69, 20 to 39, 70 to 79 या 20 से कम, बिलो 20। इसका सही उत्तर है डी, 20 से कम। जड़ बुद्धि इडियट बालकों की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है, इनको महामूर्ख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? टर्मन, स्टैनफोर्ड, गिलफोर्ड और बिने। इसका सही उत्तर है डी, बिने। 18th क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से बुद्धि का प्रकार नहीं है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, असामाजिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है डी, असामाजिक बुद्धि। बाकी तीनों मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये बुद्धि के प्रकार हैं। यहाँ पूछा गया बुद्धि का प्रकार नहीं है, इसलिए कई बार आप क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए फिर उत्तर देना। 19th क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है वो इंजीनियर या अच्छे कारीगर, मैकेनिक होते हैं। 20th, प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड और गार्डनर। इसका सही उत्तर है डी, गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय दिया था। 21st, जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? या हम इसको ये भी कह सकते हैं, जब बालक अपने से अधिक आयु के प्रश्नों को हल करता है तो उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्ष, बेसल वर्ष, लीप वर्ष और कोड वर्ष। इसका सही उत्तर है बेसल वर्ष। और जब बालक अपने से कम आयु के बालक के कार्य को करता है, अपने आप नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं टर्मिनल वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया? कैटल, गिलफोर्ड, बिने साइमन और स्टर्न, पियाजे। इसका सही उत्तर है सी, बिने साइमन और स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन, थर्स्टन, बिने, थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है ए, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने दो तत्व बताया कि बुद्धि दो तत्वों का मेल होती है, एस सम स्पेसिफिक फैक्टर और जी जनरल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, द्विखंड सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट तत्व एस फैक्टर होता है जन्मजात, अर्जित या दोनों। इसका सही उत्तर है बी, अर्जित। एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट कारक अर्जित होता है, जबकि जी फैक्टर जन्मजात व्यक्ति में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 25,
बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया? इसका सही उत्तर है बी, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिआयामी सिद्धांत थ्री डायमेंशन थ्योरी दी थी गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे, थर्स्टन। इसका सही उत्तर है गिलफोर्ड, ए। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत थ्री डायमेंशनल मॉडल दिया था। निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? संक्रिया, विषय वस्तु, प्रबलन, उत्पाद। इसका सही उत्तर है सी, प्रबलन, क्योंकि बाकी संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद गिलफोर्ड के सिद्धांत में आते हैं। अब से ये भी पूछा जा सकता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो गिलफोर्ड ने बुद्धि के इसमें 120 चैम्बर्स बताए हैं। समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी? थर्स्टन, थॉर्नडाइक, बिने, स्पीयरमैन। सही उत्तर है थर्स्टन। बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन, पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर। इसका सही उत्तर है सी, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ये सारे सिद्धांत हमने बुद्धि के का जब पढ़ा था उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं? समूह तत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, त्रिआयामी सिद्धांत को जो गिलफोर्ड का है इसको बुद्धि का संरचना मॉडल भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ये बुद्धि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आशा करती हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंटेलिजेंस से रिलेटेड MCQ किया था। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट से लेके रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? ऑप्शन है ए, कैटल, बी, टर्मन, सी, थर्स्टन, डी, बिने व साइमन। इसका सही उत्तर है डी, बिने व साइमन ने प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। क्वेश्चन सेकंड, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में जो हुआ था वो किसने किया था? ऑप्शन है ए, भाटिया, बी, CH राइस, सी, लज्जा शंकर झा। इसका सही उत्तर है बी, CH राइस ने 1922 में भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। क्वेश्चन थ्री, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण के निर्माता कौन है? ए, पॉर्टियस, बी, वेस्लर, सी, पियाजे। सही उत्तर है ए, पॉर्टियस। पॉर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण कहलाया जाता है जिसमें एक तरह से रास्ता को जो होता है और इसके द्वारा ये क्रियात्मक परीक्षण है, बालक की बुद्धि की जांच की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक। इसका सही उत्तर है ए, व्यक्तिगत शाब्दिक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है जिसमें इंडिविजुअली बच्चे का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए है? ए, 2 से 12 वर्ष, बी, 3 से 15 वर्ष, सी, 5 से 15 वर्ष, डी, 6 से 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी, 3 से 15 वर्ष। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था वो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए तैयार किया गया था और इसमें हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रश्न निर्धारित किए गए थे। क्वेश्चन सिक्स, आर्मी अल्फा परीक्षण है सामूहिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सी, व्यक्तिगत शाब्दिक या व्यक्तिगत अशाब्दिक। इसका सही उत्तर है सामूहिक शाब्दिक, बी, आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है जिसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में अधिकारियों की भर्ती के लिए किया गया, ये पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है। क्वेश्चन सेवेंथ, आर्मी बीटा परीक्षण है सामूहिक अशाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक या व्यक्तिगत
शाब्दिक। इसका सही उत्तर है ए सामूहिक अशाब्दिक। आर्मी बीटा परीक्षण, सेना में निरक्षर या असाक्षर जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भर्ती के लिए किया गया एक सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। क्वेश्चन 8, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में डैश ने संशोधन करके उसे स्टैनफोर्ड बिने मार्करम नाम दिया। यहाँ पे हमको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया था। ए स्टैनफोर्ड, बी टर्मन, सी कॉल्टन, डी थार्नडेक। इसका सही उत्तर है बी टर्मन। टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया और एक नया परीक्षण बनाया जिसको स्टैनफोर्ड बिने मार्करम नाम दिया। 9th क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? ए विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य हैं पता लगाने में, बी अध्यापन एवं विषय परीक्षण का आधार बनाने में, सी पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन करने में। इसका सही उत्तर है बी अध्यापन एवं विषय परीक्षण का आधार बनाने में बुद्धि परीक्षण काम आते हैं। 10th क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र है? ए वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100, बी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, सी वास्तविक आयु माइनस मानसिक आयु। इसका सही उत्तर है बी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। इसको हम एमए अपॉन सीए मल्टीप्लाई 100 से भी लर्न कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन, जालोटा द्वारा निर्मित परीक्षण है रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या अभियोग्यता परीक्षण। इसका सही उत्तर है बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जालोटा द्वारा निर्मित परीक्षण है। 12th क्वेश्चन, निष्पादन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट से क्या तात्पर्य है? ए गति परीक्षण, बी शक्ति परीक्षण, सी अभाषयी परीक्षण या डी योग्यता परीक्षण। इसमें इसका सही उत्तर हम कहें तो सी है अभाषीय परीक्षण, जो होता है वो निष्पादन परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाते हैं, इसमें कोई भाषा का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन 13, वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव किनके अध्ययन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? ए समान जुड़वा, बी स्वतंत्र बालक, सी दो समान आयु बालक या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए समान जुड़वा के अध्ययन करके हम वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन, वयस्कों की बुद्धि मापने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त परीक्षण है? ए शिकागो टेस्ट, बी वेस्लर वैल्यू टेस्ट, सी पोटियस भूलभुलैया या डी बिने साइमन परीक्षण। इसका सही उत्तर है बी वेस्लर वैल्यू टेस्ट का निर्माण वयस्कों की बुद्धि मापने हेतु किया गया। 15th क्वेश्चन, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण निम्न में से है? ए आर्मी अल्फा परीक्षण, बी आर्मी बीटा परीक्षण, सी जलोटा का विद्युत परीक्षण या डी उपयुक्त सभी। ये सारे ही सामूहिक परीक्षण हैं जिनका उपयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था की वह समस्या जिसमें अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कहलाती है? ए डिमेंशिया, बी बुलिमिया, सी एलोप्सा नखोसा, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी बुलिमिया। बुलिमिया वह समस्या है जिसमें अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, भाटिया बैटरी परीक्षण का उपयोग डैश मापन हेतु करते हैं? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी रुचि, डी क्षमता। इसका सही उत्तर है बी बुद्धि। भाटिया बैटरी परीक्षण का उपयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। 18, साक्षर व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? ए वाचिक बुद्धि परीक्षण, बी अवाचिक बुद्धि परीक्षण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए वाचिक बुद्धि परीक्षण। वाचिक का अर्थ है भाषिक बुद्धि परीक्षण। आपके इसलिए ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आ सकते हैं तो उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। 19th क्वेश्चन, बुद्धि और विकास में परस्पर क्या संबंध होता है? ए एक दूसरे के पूरक,
बी परस्पर विरोधी, सी एक दूसरे के समान, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। बुद्धि हम व्यक्ति की वैसे ही बढ़ती है जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता रहता है, और विकास में अगर कमी हो जाए तो बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाता। 20th क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है ए पाठ्यक्रम के चयन में, बी कक्षाओं के निर्माण में, सी पाठ्यक्रम निर्माण में, या डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी, क्योंकि पाठ्यक्रम के चयन में जब बालक को पाठ्यक्रम चयन करना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट को वो आगे भविष्य में अपनाए कैरियर बनाए, वहाँ भी बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। कक्षा के निर्माण में बुद्धि परीक्षण चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण करना है बालकों का उसमें भी बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो इसका उपयोग सभी में होता है, तो सही उत्तर है डी। 21 क्वेश्चन, बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, या बिनी साइमन परीक्षण। इसका सही उत्तर है ए आर्मी अल्फा परीक्षण बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि का विभाजन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया, अर्थात किन मनोवैज्ञानिक ने बताया कि विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं प्रतिभाशाली सामान्य मंदबुद्धि, तो उन वैज्ञानिक का नाम बताना है। बिनी टर्मन, टर्मन मेरिल, सी गॉल्टन, डी वॉटसन। इसका सही उत्तर बी टर्मन मेरिल ने बुद्धि का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किस बुद्धि परीक्षण में होता है ए शाब्दिक परीक्षण, बी निष्पादन परीक्षण, सी चित्र परीक्षण, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी निष्पादन परीक्षण में लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी बुद्धि व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी संवेगात्मक बुद्धि। इसका सही उत्तर है डी संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष आयु के बालकों के कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि लगती होगी 100, 110, 120 या 125। इसका सही उत्तर है डी 125। इसको हम MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100 जैसा पहले बताया उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिने मापनी का भारतीय संशोधन क्या कहलाता है ए बिने साइमन भारतीय परीक्षण, बी हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, सी राइस बिने परफॉर्मेंस टेस्ट। इसका सही उत्तर है बी हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से निष्पादन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट है कुह ब्लॉक परीक्षण, अंक तत्काल स्मृति परीक्षण, अलेक्जेंडर पास अलोंग परीक्षण, या उपयुक्त सभी। ये सभी निष्पादन परीक्षण के ही प्रकार हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, शक्ति परीक्षा पावर टेस्ट का उपयोग करते हैं ए कार्य क्षमता का पता लगाने में, बी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने में, सी किसी क्षेत्र विशेष में शक्ति मापने में, या डी कोई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी किसी क्षेत्र विशेष में शक्ति मापने में शक्ति परीक्षा पावर टेस्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस परीक्षा में सभी प्रश्नों का कठिनाई स्तर समान होता है शक्ति परीक्षा में, गति परीक्षा में, योग्यता परीक्षा में, या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी गति परीक्षा स्पीड टेस्ट करते हैं तब सभी प्रश्नों का कठिनाई स्तर समान होता है। यहाँ स्पीड का टेस्ट करना है कि बालक कितनी जल्दी कार्य करता है या उसकी कार्य करने की गति कितनी है, इसलिए इसमें कठिनाई स्तर समान रखते हैं। जबकि शक्ति परीक्षा में सरल से कठिन की ओर प्रश्न होते हैं, योग्यता परीक्षा में उसकी योग्यता देखी जाती है, तो इसमें भी कठिनाई स्तर समान नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 30,
अशाब्दिक परीक्षा नॉन वर्बल टेस्ट निम्न में से है, ए आकृति फलक परीक्षण, बी घन रचना परीक्षण, सी भाटिया परीक्षण या डी उपयोग सभी। अशाब्दिक परीक्षण नॉन वर्बल टेस्ट में भाषा का उपयोग नहीं किया जाता, ये क्रियात्मक परीक्षण होते हैं। यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं ये क्रियात्मक परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी अशाब्दिक परीक्षण के ही प्रकार हैं। आशा है आपके ये जो प्रश्न हैं बहुत आगे उपयोगी होंगे, आपको सही लगे होंगे। धन्यवाद।